हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती, आदि मोनो किचन्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको पोहे से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट नाश्ता बनाना बताऊंगी। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें सबसे पहले हमें एक कटोरी पोहा, 4 से 5 बॉईल किए हुए आलू जो कि मैंने पहले ही बॉईल कर लिए हैं, एक छोटी कटी हुई प्याज, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक मैंने कद्दूकस करके लिया है, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर, नमक और 2 टेबल स्पून रवा। तो चलिए मैं ये नाश्ता बनाना आपको बताती हूँ। अब ये नाश्ता तैयार करने के लिए हम सबसे पहले, मैंने इस बाउल में एक कटोरी पोहा डाल लिया है, इसको हम 2 से 3 बार धो लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम 2 से 3 बार इस पोहे को धो लेंगे और मैंने इसमें मोटा वाला पोहा यूज़ किया, आप चाहें तो पतला वाला भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको 2 से 3 बार धो लिया है, अब इसको मैं इसी तरीके से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ये बॉईल किए हुए आलू हैं 4 से 5, इनको अब मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि इनमें एक भी लम्स ना रहें, गुठलियाँ ना रहें। आप चाहें तो इन्हें किसके भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस पोहे को 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है और हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है, एक डो की तरह इसको हमें रेडी करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने डो बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। ये जो मैंने पोहे का डो तैयार किया है, इसमें अब हम और चीज़ें मिक्स कर लेते हैं, जैसे कि अच्छे से मिक्स करके रखे हुए हैं आलू को, इस तरीके से मिक्स करना है कि उनमें एक भी गुठली ना रहे। ये मैंने एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज ली है, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अदरक लिया है, कद्दूकस किया हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, अब इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच चाट पाउडर, जिससे कि चाट का पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, चाट पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएं। ये देखिए, मैंने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, अब हम इसमें 2 टेबल स्पून रवा ऐड करेंगे।
उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बेसन, मैदा या कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें सारा डो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसकी टिकिया बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा ताकि हमारे हाथ में चिपके। ये देखिए, इस तरीके से हम इसके एक छोटा सा पीस लेंगे लो, और उसको अपने हाथों से राउंड राउंड गोल करते हुए ऐसे। आप इसको अपने हिसाब से किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी टिकिया बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने सारी टिकिया बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इनको हम फ्राई करने के लिए, गरम हो चुका है, अब हम इसमें टिकिया डालना, ये टिकिया डालेंगे अब हम इसमें। ये इस तरीके से हम एक 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 टिकिया इसमें डालेंगे। इनको हमें एकदम लो फ्लेम में सेकना है। ये लो फ्लेम में सेकेंगी तो अच्छे से अंदर तक पक जाएंगी। देखिए, ये धीम लो फ्लेम में हमारी टिक्की पक रही है। अब हम इसको टर्न कर देंगे ताकि दूसरे साइड से भी पक जाए। जब इनका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इनको देखिए, इसको मैंने फ्राई पैन में फ्राई होने के लिए रख दिया। इसमें बहुत ही कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और इसको लो फ्लेम में पकने देना है। जब ये नीचे तरफ से हल्की गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाएगी तो फिर हम इसको टर्न कर देंगे। अब इनको हम एक बार ऐसे टर्न कर देंगे ताकि ये पीछे सर से भी पक जाए। देखिए कितनी अच्छी, देखिए इनका कलर गोल्डन हो चुका है। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह के इनको पका लेंगे। इसको हमेशा लो फ्लेम में ही पकाएं ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। देखिए, ये पोहा टिक्की हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। इसको हम स्वाद के साथ या हरी चटनी के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों का टिफ़िन के लिए भी फटाफट हो जाने वाला नाश्ता है। या घर पे आपके कोई गेस्ट आया है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाना है, तो कुछ आप नया बनाना चाहते हैं तो पोहे से ये भी नया हो जाएगा, क्योंकि खाने वाला ज़रूर बोलेगा कि वाह कितना अच्छा नाश्ता बनाया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।